हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट न्यूज स्पेस में। ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया 2023 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत का दौरा करने वाली है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको इस सीरीज के पूरे कंफर्म शेड्यूल और ऑस्ट्रेलिया के टीम स्क्वाड के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, 2023 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत का दौरा करने वाली है, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे पहले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये सीरीज 9 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली है और 22 मार्च 2023 तक ये पूरी सीरीज भारत में खेली जाएगी। दोस्तों, बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में कोई भी T20 सीरीज नहीं खेली जाएगी, सिर्फ टेस्ट और वनडे सीरीज खेली जाएगी। और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने भारत दौरे में टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की कन्फर्म और फाइनल टीम स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर पेंट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर स्टीव स्मिथ को उप कप्तान चुना गया है। इसके अलावा डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, जोस हेजलवुड जैसे शानदार और जबरदस्त खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है। जबकि हैरान करने वाली बात यह रही कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 4-4 स्पिनर खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें एडम जंपा का नाम नहीं है और जंपा को टीम में शामिल नहीं किया गया, उनकी जगह पर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इससे पहले कि आपको ऑस्ट्रेलियाई टीम स्क्वाड के बारे में बताएं, चलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज के शेड्यूल पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 9 फरवरी से होगी और पहला टेस्ट मुकाबला 9 फरवरी से 13 फरवरी के बीच में नागपुर में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला 17 फरवरी से 21 फरवरी के बीच दिल्ली में खेला जाएगा। तो वहीं तीसरा टेस्ट मुकाबला 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में धर्मशाला में खेला जाएगा। उसके बाद चौथा और आखिरी टेस्ट मुकाबला 9 मार्च से 13 मार्च के बीच में अहमदाबाद में खेला जाएगा। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा और पहला वनडे मुकाबला 17 मार्च को मुंबई में खेला जाएगा, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला 19 मार्च को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। तो वहीं तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 22 मार्च को चेन्नई में खेला जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड क्या होने वाली है। तो नंबर एक पर होंगे पेंट कमिंस, उसके अलावा एस्टन एगर, स्कॉट बोलेंड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, पीटर हैंडस्कोप, जोस हेजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुसेन, नाथन लियोन, लॉन्स मॉरिस, टॉड मर्फी, मैथ्यू रेंसा, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, मिचेल स्वेप्सेल और डेविड वार्नर। तो दोस्तों, ये थी ऑस्ट्रेलिया की फाइनल टीम स्क्वाड भारत के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए। बता दें कि ओडीआई सीरीज के लिए अभी तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने टीम स्क्वाड का ऐलान नहीं किया और जैसे ही टीम का ऐलान होता है हम आपको इसकी अपडेट दे देंगे। साथ ही भारतीय टीम की तरफ से भी अभी तक टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया है और जैसे ही ऐलान होता है आपको इसकी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी।